दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में ऐसा बवाल हुआ कि फ्लाइट से दो यात्रियों को उतारना ही पड़ गया। बीते महीने में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें एयरलाइंस में बवाल होता नजर आया। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। दरअसल फ्लाइट में एक यात्री पर आरोप लगे कि उसने गलत तरीके से एक महिला क्रू मेंबर को छुआ और फिर बवाल हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। ये घटना 23 जनवरी को उस वक्त घटी जब दिल्ली एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की फ्लाइट हैदराबाद के लिए पैसेंजर की बोर्डिंग कर रही थी। महिला क्रू मेंबर का आरोप है कि एक पैसेंजर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और गलत तरीके से उसे छुआ। घटना के बाद के वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग शख्स महिला क्रू मेंबर पर चिल्लाकर और रोते हुए उसे हिंदी में बात करने के लिए कहता नजर आ रहा है। इस दौरान फ्लाइट के कई यात्री महिला क्रू मेंबर को समझाने की कोशिश भी करते रहे, जिसके बाद फ्लाइट में हंगामा और बढ़ गया। आखिरकार महिला क्रू मेंबर ने PIC यानी पायलट इन कमांड को बुलाकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी यात्री ने लिखित में माफीनामा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे फ्लाइट से उतार दिया गया और उसके साथी को भी। हालांकि फ्लाइट के कुछ यात्रियों का कहना है कि ये घटना महज एक इंसिडेंट था जो फ्लाइट में भीड़ होने की वजह से हुई। लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों ने समझा, इट वॉज प्रिटी मच अ मिस्टेक, और जिसके लिए पैसेंजर ने सॉरी बोला था, तो इट वॉज जस्ट ओवर एक्सेजरेटेड बाय द स्टाफ एंड दे ऑल्सो मिसबिहेव्ड। सो वी रियली प्लीड कि आप मतलब थोड़ा सा इस चीज को कंसिडर करें एंड लुक इन टू द मैटर वेरी केयरफुली। ये कोई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, छोटी सी जगह है, आते जाते थोड़ा टच हो गया तो उन्होंने इसको जो है एक अलग रूप दे दिया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉबली एक्सीडेंटल है और ये चीज़ बहुत इलॉन्गेट करी गई है और ये चीज़ गलत है वाकई में, क्योंकि अगर वो बार बार सॉरी भी बोल रहा है, उस चीज़ को इतना इलॉन्गेट करने में कोई जरूरत नहीं था। बता दें कि इससे पहले भी फ्लाइट में यात्रियों के हंगामे करने की खबरें सामने आती रही हैं। 9 जनवरी 2023 को दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में एयर होस्टेस और क्रू मेंबर के साथ नशे में धुत युवकों की बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद दोनों को पटना एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं 10 दिसंबर को एक और मामला सामने आया था जिसमें फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल दिया गया था। बाद में ये जानकारी सामने आई कि इस इमरजेंसी गेट को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि बेंगलुरु के BJP सांसद तेजस्वी थे। इस मामले पर उन्होंने हालांकि बाद में माफी भी मांगी। तो वहीं इससे पहले दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 70 साल की बुजुर्ग महिला पर एक शख्स के पेशाब करने का मामला भी खूब गर्माया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।